बात करेंगे एमएसएमई एक्ट की। क्या बोलता है? डिलेड पेमेंट से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 15 बोलता है, भाई जो मर्जी लिख लो, उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है, 45 डेज में पेमेंट करो। ये एक्ट लाया इसीलिए गया है कि बेचारे सप्लायर सर्विसेज देते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं, पैसे नहीं मिलते, इसलिए गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, कोई कहानी नहीं सुनेंगे, 45 डेज में पेमेंट करो। चलो नहीं दी फिर क्या होगा? ये भी अगले ही सेक्शन में लिखा है, सेक्शन 16। वो बोलता है आरबीआई ने जो रेट नोटिफाई किया ना, उसका 3 गुना 3 टाइम्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगाएंगे आप पे। आरबीआई का रेट मैंने चेक किया लेटेस्ट, मैं दिसंबर 23 में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 6.75% है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तब तक, तो 3 टाइम्स का मतलब 20% से ऊपर की पेनल्टी लग जाएगी, 20% इंटरेस्ट रेट लग रहा है। वो बात अलग है, मंथली में इसको डिवाइड बाई 12 करके समझिए तो करीब 1.5% से ऊपर की पेनल्टी लग रही है, और अगर आपने नहीं दिया तो कंपाउंडिंग होगी, यानी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता चला जाएगा। तो कुल मिला के स्ट्रॉन्ग प्रोविजन बनाया गया है, क्लियर लिखा है 45 डेज में पेमेंट करो, नहीं तो हैवी इंटरेस्ट के साथ देना तो बेटा पड़ेगा ही।